हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। हे फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ चेरी ब्लॉसम के बारे में। चेरी ब्लॉसम बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है जो स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं। मेनली ये फ्लावर जापान का है, यहाँ पे उसको सकुरा के नाम से जाना जाता है, बट ये साउथ कोरिया में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसको यहाँ पे बीट कॉट के नाम से जाना जाता है। ये फ्लावर लाइट पिंक और वाइट कलर में होते हैं और ये 20 मार्च से लेके अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। इस टाइम पे पूरे साउथ कोरिया में हर जगह आपको चेरी ब्लॉसम के ट्रीज दिखाई देंगे और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई देंगे आपको, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो अगर आप कभी भी साउथ कोरिया आने का प्लान कर रहे हैं तो स्प्रिंग सीजन में आइए, क्योंकि ये यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है मार्च के लास्ट से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। और यहाँ पे बहुत सारे जगह पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। वैसे तो यहाँ पे हर छोटी छोटी जगह पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन कुछ खास जगह हैं जहाँ पे इसको बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ इस टाइम पे वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट और कोरियन पीपल सारे लोग वहाँ पे जाके इसको एंजॉय करते हैं। इनमें से कुछ जगहों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इनमें से कुछ जगह हैं, कुछ खास जगह हैं जहाँ पे चेरी ब्लॉसम बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। इसमें से फर्स्ट है जेजू आइलैंड है। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे जाके इंजॉय कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड प्लेस है वो है जिनहाई, जो कि बुसान के पास है, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे चेरी ब्लॉसम देखने के लिए मिलेगा और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे भी होता है। और जो थर्ड प्लेस है वो है वागे जिसको बोलते हैं यहाँ पे, और फोर्थ प्लेस है वह है जियांजू, और फिफ्थ प्लेस है वह है सियोल। तो इन पांचों जगह पे सबसे खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। बाकी तो यहाँ हर जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ हर जगह आपको चेरी ब्लॉसम देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप इन जगहों पर जा पाते हैं और यहाँ जाके चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाते हैं या फिर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा चेरी ब्लॉसम के पेड़ होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं भी जाते हैं और कहीं और भी रुकते हैं, फिर भी आपको हर जगह चेरी ब्लॉसम देखने के लिए मिल जाएगा। आप कहीं भी रुकते हैं तो आप वहाँ पे अपनी लोकेशन डाल के नेट पे सर्च कर सकते हैं चेरी ब्लॉसम नियर बाई मी या चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल नियर बाई मी, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपके आसपास कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है और ज़्यादा चेरी ब्लॉसम देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये जो जगह आप वीडियो में देख रहे हैं ये ह्योंगपुंग की युजुंगसा टेम्पल के पास का व्यू है। यहाँ पे भी बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज थे और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ पर का भी। देख सकते हैं आप कितने सारे फ्लावर्स हैं और ये यहाँ लास्ट टाइम का है, इसलिए सारे फ्लावर्स हवा में गिर रहे हैं धीरे धीरे। फ्रेंड्स, जब भी आपको साउथ कोरिया आने का मौका मिलता है यहाँ पे, तो आप स्प्रिंग सीजन पे ही आइए और चेरी ब्लॉसम हेवन का मजा लीजिए, कि बहुत ही खूबसूरत है, आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ आने के बाद ये सब देखने के बाद आपको हमेशा याद रहेगा। इंडिया में ये फ्लावर हम लोग को बहुत कम ही जगहों पे देखने के लिए मिलता है, ये हिमालय साइड पे होते हैं फ्लावर, क्योंकि ये फ्लावर ठंडी जगह में होते हैं, इसलिए ज़्यादातर हमको गर्म जगह पे फ्लावर देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ का मौसम इसके लिए बहुत सही है, इस टाइम पे ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी, तो ये टाइम घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ के लिए और ये फ्लावर के लिए भी। तो इस वजह से यहाँ ये फ्लावर हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है।
साउथ कोरिया वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर आप स्प्रिंग के सीज़न पे आते हैं तो ये आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि चेरी ब्लॉसम के साथ साथ इस टाइम पे और भी बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ पे हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ सब तरफ खूबसूरत सा व्यू होता है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक।